हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं 1G से लेके 5G तक की जर्नी की पूरी बात। आज मैं बात करने वाला हूँ इन्हीं पांचों नेटवर्क ने हमारी लाइफ में क्या क्या बदलाव लेके आए। इन पांचों नेटवर्क से हमारी लाइफ में क्या क्या बदलाव हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ घंटे वाले बटन को जरूर दबाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम विक्रांत पांडे, आप देख रहे हैं टैग ट्रम्पेट। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 1G नेटवर्क की। 1G नेटवर्क ने हमें क्या दिया? सबसे पहले 1G नेटवर्क ने जो हमें दिया वो था कॉलिंग। जब भी हमें कभी पहले किसी से बात करनी होती थी तो हम उसे रिटर्न में कोई लेटर लिख के देते थे, जिसका रिप्लाई 2 से 3 दिन में जाकर हमारे पास आता था। सबसे बड़ा बदलाव जो हमारी लाइफ में नेटवर्क लेके आया वो था 1G नेटवर्क, जिसकी लाइफ के हिसाब से हम आज जी रहे हैं। क्योंकि हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है कॉलिंग, उसी कॉलिंग को चेंज करके हमारी लाइफ में आया 2G। अब हम बात करते हैं 2G नेटवर्क की। 2G नेटवर्क ने हमारी लाइफ में क्या बदलाव किए? 2G नेटवर्क ने हमारी लाइफ में जो दिया वो आज भी हम लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कि है टेक्स्ट मैसेजेस। टेक्स्ट मैसेज से हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस आए। उस टाइम कॉल रेट बहुत ज़्यादा हाई थे जब 1G नेटवर्क आया था, तो उसी जैसे हम कोई लेटर लिखते थे किसी को भेजते थे, 2 से 3 दिन में उसका रिप्लाई आता था, तो उसी को एक क्लिक में कन्वर्ट कर दिया 2G नेटवर्क ने। तो अब सीधी सी बात करें तो 2G नेटवर्क ने हमें दिया टेक्स्ट मैसेजेस। अब बात करते हैं 3G नेटवर्क की। 3G नेटवर्क ने हमारी लाइफ में क्या क्या बदलाव लाए? आज के जो चेंजेस आए हैं, आज की लाइफ जो हम जी रहे हैं, मतलब मेन इंटरनेट, जो इंटरनेट को हम जो सीख पाए हैं वो लाइफ में दिया है 3G नेटवर्क ने। 3G नेटवर्क ने जो दिया है हमें है ब्राउजिंग। हम कुछ भी जो ब्राउज करना स्टार्ट किया या सीखा, सीखने को तो हमारे पास 2G में भी हम कुछ चीज़ें ब्राउज कर सकते थे, सर्च कर सकते थे, बट जो रियल नेटवर्क का यूज़ हमें जो मिला वो था 3G नेटवर्क का। 3G नेटवर्क से हमने ब्राउजिंग सीखी, सोशल नेटवर्किंग साइट से हमने पढ़ना सीखा, समझना सीखा, वीडियोस देखना सीखा, डाउनलोडिंग करना सीखा, मतलब जो स्पीड थी वो 3G नेटवर्क में मिली। अब हम बात करते हैं 4G नेटवर्क की, जो कि इस टाइम हम लाइफ में जी रहे हैं। 4G नेटवर्क ने हमें क्या दिया आप लोग जानते ही हैं, वीडियो कॉलिंग। अब जहाँ से स्टार्ट हुई थी कॉलिंग पे, फिर हुआ टेक्स्ट पे, फिर हुआ ब्राउजिंग पे, आज हम किसी भी इंसान से या दोस्त से फेस टू फेस बात कर सकते हैं, वो भी 4G नेटवर्क के थ्रू। क्योंकि 4G नेटवर्क ने हमें दिया वीडियो कॉलिंग। वीडियो कॉलिंग के अलावा भी बहुत सी चीज़ें दी हैं, जैसे कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो गई, जो बड़ी बड़ी साइट्स को हम रन करते हैं आज, वो 4G नेटवर्क के थ्रू ही कर पा रहे हैं, क्योंकि 3G नेटवर्क को कैपेबिलिटी नहीं थी उनके अंदर जो कि उन वेबसाइट्स को रन कर पाए। 4G नेटवर्क ने भी बहुत कुछ दिया, जैसे वीडियो कॉलिंग हो गया, रील्स हो गया, टिकटॉक टाइप वीडियोज़ हो गया। आप एक स्वाइप करेंगे नेक्स्ट वीडियो प्ले हो जाएगी, दूसरा स्वाइप करेंगे तीसरी वीडियो प्ले हो जाएगी, तीसरा स्वाइप करेंगे और वीडियोज़ प्ले हो जाएंगे। तो बाय टू बाय इतनी अच्छी स्पीड के साथ आप इन वीडियो को या इन ऐप को यूज़ कर पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं मेन नेटवर्क की, 5G नेटवर्क, जिसके बारे में शायद आप लोग बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं। 5G नेटवर्क के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये एक सिंगल नेटवर्क ही नहीं है। पहले तो 5G नेटवर्क की डेफिनेशन बता देता हूँ। 5th जनरेशन नेटवर्क, जैसे कि 1G नेटवर्क आया, 2G नेटवर्क आया, 3G नेटवर्क आया, 4G नेटवर्क आया, तो ये हर एक जनरेशन के हिसाब से थे। तो ये है 5G जनरेशन नेटवर्क। मैं सीधी सी डेफिनेशन में आपको बताता हूँ, किसी भी नेटवर्क का मेन जो आप लोग समझते हैं, बहुत से लोग समझते हैं कि इंटरनेट ही होता है। इंटरनेट के अलावा भी बहुत चीज़ें हमें ये नेटवर्क्स देते हैं, जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे टेस्ला। टेस्ला को कम्युनिकेट करने के लिए भी इंटरनेट स्पीड चाहिए, जो कि 4G नहीं दे सकता। 5G 4G के मुकाबले 100 गुना बेटर है। मतलब हम मान लीजिए जो स्पीड आज आप यूज़ कर रहे हैं उसके 100 गुना बेटर आपको 5G मिलने वाला है। तो टेस्ला को भी कम्युनिकेट करने के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क चाहिए, जो कि 4G नहीं दे सकता। अब जो 5G नेटवर्क हमारी लाइफ में आने वाला है, हमारी लाइफ को और ज़्यादा स्पीड देने के लिए। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। Audio Jungle.